दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज का इतिहास 100 सालों से भी पुराना हो चुका है। ऐसे में भारतीय फिल्मों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हालांकि आज के समय में हमें रंगीन मूवी देखने को मिलती है, लेकिन पहले फिल्म प्रोडक्शन की तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी। हालात ऐसे थे कि पहले फिल्म साइलेंट बनाई गई थी, मतलब ये कि बिना आवाज़ वाली ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर दिखाई गई थी। भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में बनाई गई थी। इस फिल्म को बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को तथा मृत्यु 16 फरवरी 1944 को ही थी। फाल्के ने अपने जीवन काल में 95 फीचर फिल्म और 27 शॉर्ट मूवी बनाई थे। फाल्के फिल्म प्रोड्यूसर होने के साथ साथ डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे। भारतीय फिल्म में अपने बेमिसाल योगदान के लिए इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जान ही गए होंगे कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, और यहाँ हमने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का संक्षिप्त परिचय भी बता दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब में देख सकते हैं। यूट्यूब में आपको सर्च करना होगा, सर्च बॉक्स में राजा हरिश्चंद्र 1913 लिख कर सर्च करना होगा। रिजल्ट में आए वीडियो को आपको 1913 टाइटल वाले वीडियो को क्लिक करना होगा। इस तरह आप बहुत आसानी से उस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए।